हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। हम पहले हिंदू थे, अब मेरी मेरी अब नब्ज मत छेड़िए, मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग अगर इंडिया में रहते हैं वो सभी पहले हिंदू थे, कन्वर्ट हुए हैं मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, आपके मिशनरी के द्वारा। इसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। ओनली थिंग दैट दे शुड एक्सेप्ट कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, दे मस्ट एक्सेप्ट। मोहम्मद जिन्ना का पूर्वज हिंदू था, आपको मालूम होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज हिंदू था, आपके ओबेसी के पूर्वज हिंदू थे, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? राहुल गांधी के पूर्वज भी तो मुसलमान थे। राहुल यस, वो भी मानिए ना, मानिए, कन्वर्ट मत कीजिए, कह दीजिए कि हाँ ज्ञान व्यापी के ऊपर हमने मंदिर बनाया, हमने मस्जिद बनाया, मान लीजिए हम आपके मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। कई बार लोग कहते नहीं सर, सर सर बोलने की आज़ादी है सर, आप हमको नहीं रोक सकते। मैं बोलता हूँ माई फुट, संविधान में लिखा हुआ ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोलो। एक बंदा बाइक पर खुलेआम टीवी पर बोलता है, अरे ये देश हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, ये जमीन हमारी है। अरे साहब आप किस हिसाब से बोलते हो और बदनाम करते हो हमारे देश को, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं आके पुलिस पकड़ के उनको अंदर डालती है, खुलेआम बोलता है। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। रोड के ऊपर आज भी औरंगजेब रोड लिखा जाता है, अकबर रोड लिखा जाता है, मानसिंह रोड लिखा जाता है। आप देखिए क्यों हमारे देश के क्रांतिकारियों, क्यों हमारे राजाओं के नाम पे क्यों नहीं है, क्यों चंद्रशेखर आजाद रोड के ऊपर होंगे कहीं पर, पर हटा दीजिए उस सारे नामों को, एलिजाबेथ रोड, ये सब नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर जो लगा कि औरंगजेब को तो हटा दिया, मैं समझता हूँ अभी भी शाहजहां बैठे हुए हैं, अभी भी जहांगीर रोड है, अभी भी कितने रोड है, कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों साहब झूठ बोलते हो कि आजादी हमें चरखे से आई थी? गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया एक आजाद सवेरा सींचते सींचते, फिर क्यों कहते हो कि आजादी केवल हमें मिली चरखा खींचते। ये कौम जिसका नाम है ब्रिटिश, इतनी शातिर कौम जिन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा छीन लिया, जिन्होंने लाखों हजारों लोगों को, आपने जो कुछ किया है, आप क्या समझते हैं कि वो आदमी सिर्फ चले जाएगा सिर्फ इसलिए कि सत्याग्रह हो रहा? आप उपवास कर रहे हैं तो वो भाग जाएंगे, अरे साहब खा गए आपका खाना वो, सो उसकी वजह से हमारे को आज़ादी नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये लोगों ने एक, अब गरम दल नरम दल की बात करते हो, कुछ नहीं है साहब, गरम दल भी वही थे नरम दल भी वही थे, दोनों का उद्देश्य था देश को आज़ाद करना। लेकिन हुआ जब आज़ाद देश 47 में, वो सारे के सारे क्रांतिकारी अपनी जान गंवा चुके थे और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको कह दिया कि अरे ये तो आतंकवादी है। 60 साल तक सरकार ने उस टैग को कैरी किया है, शर्म आनी चाहिए। आप आज़ाद हो गए हैं 47 में, आपको तो उसी दिन आपको एक महासभा महा आयोजन में सब परिवार वालों को बुलाना चाहिए था और उनको सम्मानित करना था जिसको आप सम्मानित नहीं कर पाए। सो यही शिकायत है मेरी, और कोई शिकायत नहीं। मतलब मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि छठी से बच्चों को गीता पढ़ाइए। मुझे किसी ने कहा साहब गीता क्या समझेंगे, मैंने कहा नहीं समझेंगे, यही तो प्रॉब्लम है, अपने माँ बाप से पूछेंगे ये अर्जुन को क्या कहा था, बाप समझाएगा तब गीता समझ में आएगी। वैसे ही आप एक अवार्ड बना दोगे, ये चंद्रशेखर आजाद अवार्ड है, ये जो है भगत सिंह अवार्ड है, ये रोड जो है आज NH4 लिखते हैं, NH5 लिखते हैं, कितने NH हैं मुझे पहले नहीं मालूम था। किसने कहा सर नेशनल हाईवे, अरे साहब NH हटाइए ना, लिख दीजिए चंद्रशेखर आज़ाद, लिख दीजिए ना आप अशफाक उल्ला खान, लिख दीजिए आप राजगुरु, लिख दीजिए आप जितने भी सुखदेव का नाम लिख दिए। क्यों नहीं बनाया जाता था कि लोगों को उनके बारे में मालूम पड़ेगा? चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न देने की, मैं कहता हूँ सबको दे दो साहब, आपके पास भारत रत्न का पैसे जाते हैं साथ में, मान जाता है ना, जो नहीं दिया आपने 60 साल तक नहीं दिया, गलती का एहसास करो। आज एक एक को बुलाकर उनको दीजिए। मैं तो जैसे कहता हूँ जब आज़ाद 47 में हुआ था, बहुत बड़ी बात कही थी नेहरू साहब ने, नेहरू जी ने कही थी जब देश पूरा वर्ल्ड सो रहा है हमारा देश आज़ाद हो रहा है, लोगों ने तालियां मारी, एक क्यों नहीं सभा का आयोजन किया जिसमें कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं, आज हम उनके श्रद्धांजलि में यहाँ बैठे हैं और उनको सम्मान कर रहे हैं और उनको हम अवार्ड देना चाहते, क्यों नहीं किया? मैं वो चाहता